गाइस हमें भद्रबद्री विशाल जी के दर्शन हो गए हैं। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था एंड यहाँ रुकना भी ज़्यादा अलाउड नहीं है। ये रहा मेरे हाथ में प्रसाद और अब हम निकलेंगे आगे को। आप देख सकते हैं यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ से पुलिस वालों से हमने पता कराया तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि नीचे उन्होंने जगह बताई थी पीपल कुटी और इस तरफ को रास्ता खुलते रहता है बंद होते रहता है, लेकिन अगर यहीं बैठे रह गए तो रास्ता जो है दो दो तीन तीन दिन भी ले रहा है खुलने में। और ये रहे बाबा बद्री जी के मंदिर का एक नज़ारा। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो ये रहा मंदिर और ये सभी श्रद्धालुओं के लिए बाबा जी के दर्शन मेरी तरफ से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यार इस वक्त ना माफ़ी चाहूँगा मैं आप सबसे क्योंकि रिकॉर्ड करने का कुछ है नहीं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से मॉर्निंग से बारिश हो रही है और हम लोग के पास कपड़े वपड़े सब भीग चुके हैं और ऐसे में हमें आगे की राइड करनी है वहाँ का तप्तकुंड। आपको दिखा दूँ ये रहा तप्तकुंड पीला वाला, ये वाला और ये यहाँ पे चेंज करने का है। ये देखिए आप इस वक्त मौसम का हाल। जय बद्री विशाल। सो फाइनली गाइस ऊपर वाले ने कृपया रखी है और हमारा जो चौथा धाम था वो फाइनली पूरा हुआ है और थैंक्स, थैंक यू गाइस, थैंक यू वीडियोस व्लॉग्स देखने के लिए। भले ही जितनों ने भी देखे हैं व्लॉग्स आप सभी का धन्यवाद। और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे नाश्ता वाश्ता करके हम लोग सीधे होंगे अपने रूम में। वहाँ हम लोग क्या कहते हैं चेंज वेंज करेंगे। चेंज तो क्या करेंगे, ऐसे ही जाते हैं यार क्योंकि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि आप लोग निकलो यहाँ मत रुको क्योंकि यहाँ का मौसम कैसा हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये है बद्री विशाल जी के दर्शन। मैं बार व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए तो यार मैं ऐसे ही दर्शन करा पा रहा हूँ क्योंकि अंदर तो फ़ोन अलाउड था नहीं और बारिश इतनी हो रही है बाहर, आप मत पूछिए। ये रहा मंदिर। तो ठीक है गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं और अब जिन्होंने हमें ये बताया, भैया आपका नाम? विनोद। तो विनोद भैया ने हमें पूरी हिस्ट्री जितनी तो बद्री जी के पेड़ होते थे बद्री मतलब बद्री मतलब पेड़ बद्री मतलब वन बद्री का आश्रम कहते हैं। अच्छा और विशाल जी जो थे वो राजा थे? राजा थे विशाल जी, राजा। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और यहाँ का मेन जो प्रसाद है वो है तुलसी 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 और चंदन तुलसी और चंदन। तो गाइस यहाँ आप आए तो ये TRC के ठीक सामने ही है, देवलोक रेस्टोरेंट करके है। रात को हमने खाना खाया था उसके ठीक सामने। तो आप जब भी आए यहाँ पर को आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर सकते हैं, भैया के हाथ की चाय, अंकल के हाथ का खाना। तो ये था हमारा कुछ छोटा सा एक ब्लॉक, बाकी मिलते हैं हम लोग आगे की राइड में। कन्फर्म नहीं कहता हूँ क्योंकि यार मौसम की कंडीशन आप देख रहे हैं बारिश की वजह से बहुत तेज़ है, अभी हल्की फुल्की रुकी है। सो फाइनली गाइज हम लोग खड़े हैं अपने लास्ट धाम जो कि था बद्री विशाल और बद्रीनाथ जिसे हम कहेंगे बद्रीनाथ। तो आज के दिन जो कि है 2nd of August हमारे चारों धाम हो चुके हैं कंप्लीट। ये खड़ी है मेरी बाइक, ये खड़ी कोविद की बाइक और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ, जय भोले। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और हम लोग रुके थे इस जगह पे पर्यटक आवास गृह। ये गाइस सफ़र आज बहुत लंबा होने वाला है। तो यार इस पूरे चार धाम राइड पे काफ़ी मज़ा आया। अभी हम दो रह गए हैं चेतन भाई और पीयूष, लैंडस्लाइड की वजह से उनको आगे नहीं आने दिया गया तो उनको वापस जोशीमठ ही रुकना पड़ा और हम लोग आ गए थे इधर बद्रीनाथ को।
चुका है। क्या व्यू है यार, ये देखिए, अमेजिंग यार, अमेजिंग। जोशीमठ रह गया यहाँ से 9 किलोमीटर। तो गाइस ये है जोशीमठ का नरसिंह देवता जी का मंदिर, और जो कि हमारे कुल देवता जी भी हैं। हम लोगों ने अंदर जाकर के देखा तो कुछ ऐसा मंदिर का। तो यार फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, टाइम लगे पहुंचने में। तो यार फाइनली बहुत हेक्टिक डे गया है आज का। हम लोग जैसे तैसे करके कर्णप्रयाग पहुंचे हैं, निकलते हैं, देखते हैं बाकी का वीडियो। आप देखिए आज के व्लॉग में हेक्टिक डे बैक टू होम। इसका नाम है दिवाली खाल, और अब हम लोग जाएंगे इधर को, जो कि है वाया गैरसैंण से होते हुए चौखुटिया, और गैरसैंण रह गया 3 रानीखेत 87। तो फाइनली हम लोग गैरसैंण में हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरा क्लच भी जा चुका है, तो बिना क्लच के चला रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। कहीं मैकेनिक दिखेगा तो देखना, ये क्लच टूट गया है। कोई दिक्कत नहीं, क्लच पड़ जा रहा है गियर, तू मैकेनिक देख लेना बस। यहाँ पे कोई रॉयल एनफील्ड का वो है आपका मैकेनिक? कोई क्लच व्लच लगा दे, रॉयल एनफील्ड नहीं है। थैंक यू। कोई थोड़ा धक्का लगा, इस वाली के अंदर से बदलती है ना, इसके अंदर से पुरानी वाली की, धक्का देना जोर से। ऐसे हो रही है ये। चल जा बेटा, चल जा, चल जा, तेरा गियर आगे करके छोटा करता हूँ। तो यार भाई आज सब कुछ आज ही होना है लगता है। पहली चीज मैं दिखाता हूँ आपको, ये जुगाड़ बनाया है क्लच का जो कि टूट चुका है। दूसरा ये भाई जी का हाथ लगा और मेरा ये पूरा तोड़ दिया है, तो अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। और ये भी गया। कोई कपड़ा है? हो रहा है, कोई कपड़ा है, लेंस बचा लेना इसका, नीचे डाल दूंगा। अच्छा रुक जा, इसमें है, रुक जा, इसको पकड़ ले। ओ यार, तो ये लेफ्ट का जो रास्ता है ये है अल्मोड़े का जाते हैं, और ये है खैरना। तो फाइनली यार हम लोग पहुंच चुके हैं कैंची धाम। कैंची धाम मंदिर काफ़ी नीम किरौरी बाबा जी का मंदिर है, और लगभग बज रहे हैं 10:15, पहुँच चुके हैं कैंची धाम मंदिर। वो देखिए गाइस क्या प्यारा व्यू है,
भवाली पहुंच चुके हैं। तो ये जो रास्ता है ये जाता है नैनीताल को ऊपर, और ये गए हम लोग भवाली, उसके बाद हल्द्वानी शहर को। तो फाइनली हम लोग भीमताल पहुंच चुके हैं टेंगे। ये जाता है नौकुचिया ताल और लेक साइड को, और ये राइट हैंड साइड एकदम जाएगा हल्द्वानी को। तो फिलहाल मैं आपको बाकी का अपडेट दूंगा हल्द्वानी पहुंच के। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, अपना शहर वक्त हल्द्वानी में। थैंक यू मेरे भाई, मैं बताऊंगा यार, एक अलग ही फीलिंग आती है अपने शहर में और अपने घर में पहुंच के। बस विद इन 10 मिनट्स में मैं आऊंगा अपने घर, कोविड होगा अपने घर। व्लॉग मैं थोड़ा यहीं पे ख़त्म करूंगा यहाँ पे। तो फाइनली गाइस हम लोग हैं अपने घर हल्द्वानी शहर में। मैं आपको अपनी बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ यार, ये देखो, पहले तो आपको दिख रहा होगा बाइक की कंडीशन, ये और क्लच गिरा, केबल तो ये गया, क्लच देख रहा हूँ, लेग गार्ड टूटा हुआ है, और ब्रेक ये देखो, ब्रेक है ही नहीं। तो यार इस राइड में ऊपर वाले ने हमारा काफ़ी साथ दिया, फाइनली हम हैं अपने घर। मैं यहाँ पर को बस इतना ही बोल पाऊँगा, घर जाके नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि यार कंडीशन है नहीं बिल्कुल, और उसके बाद मैं आपको घर तक का रास्ता दिखाऊँगा। फाइनली हम लोग अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। हाँ मेरा घर पहले आ जाएगा, और मैं भी रास्ते में एंड करूँगा, बट ये था कि कोविड से मैं, क्योंकि इसने मेरा इतना साथ दिया, तो छोटा भाई है साथ दिया पूरा, और फाइनली मैं अब घर जाऊंगा क्योंकि स्लो पे आप देख सकते हैं, तो मुझे बाइक लुढ़काने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि क्लच तो है। सुभान अल्लाह, ये देखिए धीरे ही जा रहे हैं। भोले बाबा ने साथ दिया सब ने बढ़िया, अरे भोले बाबा ने साथ दिया, सब अच्छे से निपटा है। और घर पहुँचे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी को वो भी सही सलामत आ जाएगा। देखिए मेरी स्टार्टिंग कैसे होगी बाइक की, नहीं नहीं डाउन है, तो ये जाएगी बुलेट ऐसे, गई गई गई, थोड़ी स्पीड पकड़ी, थोड़ी स्पीड पकड़ी, ये क्या राहत की सांस मिल रही है। और गाइस चार धाम की जो सीरीज़ थी वो आज यहीं पे एंड होती है, और बस कुछ ही देर में हम लोग हैं अपने घर। मैंने कहा था ना गाइस, ये इसने मेरे को आज तक कहीं धोखा नहीं दिया है। चल ठीक है मेरे भाई, फिर मिलते हैं, ठीक है, घर पहुंच के मैसेज कर देना या घर पहुंच के चिट्ठी दे देना, ये भी होता था एक बार। अरे मुड़ गई। तो गाइस ये सीरीज़ चार धाम की अब यहीं ख़त्म होती है। मैं जल्द मिलूँगा आपसे नए व्लॉग में और नई सीरीज़ में। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड फुल सपोर्ट करेगा भाई चैनल।